धार के 250 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले में बुरी तरह से मात खाने के बाद धार कलेक्टर आईएएस प्रियंक मिश्रा फिर से मुश्किल में आ गए हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ और अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दोनों को 23 अक्टूबर को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने बताया कि फरियादी ग्राम पंचायत नालछा धार में ग्राम रोजगार योजना के सहायक पद पर था। साल 2017 में स्वास्थ्य खराब होने से वह एक दिन के लिए काम पर नहीं गया। उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही हटा दिया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2023 को आदेश दिया कि उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया जाता है। अपील निरस्त होने के बाद भी अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन इसका भी कलेक्टर मिश्रा और अपर कलेक्टर श्रीवास्तव ने कोई पालन नहीं किया। इस पर यह गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।